हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है प्रोफेशनल कुकरी क्लास में। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक नई टेस्ट और नई डिज़ाइन के साथ मैं डॉल केक बना रही। मैं यहाँ डाल रही हूँ, देखिए ये मार्केट में भी नहीं है, ये ठंडाई पाउडर है। मैंने 3 TBSP ठंडाई पाउडर डाला है। मैं 1/2 kg का केक बना रही हूँ। ये आपको मार्केट में बने बनाई मिल जाती है ठंडाई पाउडर। ये है ठंडाई पाउडर और इसमें जाएगा फ्लेवर में, ये बहुत यम्मी लगती है केक। और ये मार्केट में कभी कभी कहीं कहीं मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, पर डिमांड पे बनती है। और ये देखिए मैंने स्पॉन्ज ले लिया है, मैंने 3 कलर में बनाई हूँ। मैंने स्पॉन्ज 3 कलर का बना। अब मैं स्पॉन्ज को सोकिंग कर दी हूँ। यह 1/2 kg का डॉल केक है। अब इसमें मैंने डाला है अपना क्रीम, जिसमें मैंने ठंडाई पाउडर डाला है। तो नीचे येलो है और 2 कलर का ग्रीन और रेड कलर का, मैंने 3 कलर का स्पॉन्ज बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है और फिर इसको अच्छे से सेट करेंगे। एक बार आप ये केक बनाइए और देखिए, खा के इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद है। इसको सेट कर दिया। अब इसके ऊपर क्या है, हम मावा डालेंगे। जो मावा होता है ना, उसको क्या करना, आपको मावा ले लीजिए। मैंने मावा को लेके थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट किया है। मैंने 25 ग्राम मावा लिया है, उसमें 2 TSP मैंने डाला है शक्कर, और उसको हल्के हल्के से रोस्ट करके मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कलर कर लिए, तो ड्राई हो गया है। फिर मैंने उसको ऊपर डाल दिया। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, क्रंची लगती है। ये डाल दिए, आपके ऊपर कितना डालना है। मैंने 1/2 kg में लगभग 2 TBSP। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर रख दी येलो कलर का। आपको जो स्पॉन्ज चाहिए आप लगा सकते हैं। मेरे को 3 कलर का बनाना था, क्योंकि कस्टमर का डिमांड था कि हमें कलर में चाहिए 3 कलर में। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने डाल दिया। फिर ये मैंने दूसरी लेयर रख दी, फिर इस पर भी मैंने क्रीम रख दिया है। इसको भी अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये डॉल केक है तो थोड़ी सी मेरे को स्पॉन्ज छोटी बनानी पड़ी, लॉन्ग में बनाना था तो इसलिए मैंने बनाया छोटा सा। एक केक अगर ऐसे तो बनता नहीं 1/2 kg का, पर कभी कल डिमांड आए तो डालना पड़ता है। देखिए फिर मैंने मावा डाल दिया ऊपर से। मैंने बनाया था 3 TBSP, पर मेरे को 2 TBSP लगा, यानी 1/2 kg में 2 TBSP। और ये तीसरी लेयर है ग्रीन कलर का। इसको हल्के हाथों से आपको सेट करना पड़े, क्योंकि ये गिरता बहुत है ना, क्योंकि बहुत छोटी साइज है, बड़ी साइज नहीं है। इसको हल्के हल्के करके इस पर हल्के हल्के नाइफ से इसे सेट करिए। देखिए मैंने इसे कवर कर दिया और इसमें मैंने एक छोटी सी पेपर का आता है ना, टॉवल बोलते हैं, जैसे पेपर का पाइप होता है, वो लगा दिया। उससे क्या है कि हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और इसको नाइफ से हल्के हल्के साइड से कट कर देंगे, तब जाके ये अच्छी सी डॉल केक के लिए सेट हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा साइड से कैंची से आप काट दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा कट हो जाएगा, तो फिर फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए मैंने हल्का हल्का सा काट दिया है, इससे आसानी से बन जाती है। अब देखिए अभी मैंने क्या किया है, यहाँ स्क्रेपर ले लिया, एक सॉफ्ट स्क्रेपर आती है ना प्लास्टिक, उसे ले लीजिए और हल्की सी फिनिशिंग दे दीजिए। और फिर क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से क्रीम लेके कवर करेंगे। डॉल केक है, इसमें क्रीम तो जाती ही जाती है, इसमें क्रीम लगभग बहुत जाती है, तो डॉल केक डिमांड पे बनती है तो क्रीम इसमें गई थी। पर हाँ ये है कि मेरा ज़्यादा नहीं बना था, पर डॉल केक में क्रीम लगने के कारण 600 ग्राम का बन के रेडी हो गया था। साइड में लगाइए थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर भी लगाएंगे और सेट करेंगे अच्छे से। We'll be right back.
देखिए स्क्रेपर्स हमने सेट कर दिया। अब मैंने क्या किया है, केक को रख दिया है फ्रीजर में, हाफ फ्रीजर में रख दिया है मैंने 30 मिनट के लिए। अब मैंने क्या किया है, क्रीम को 3 पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि उनको 3 कलर का ही मांग था, डिमांड था। 3 कलर में 3 बाउल में रख दिया, एक में ग्रीन, एक में येलो, एक में रेड रख डाला है। और उससे हल्के हल्के स्पेचुला से फेंटना है, हल्के हाथ से कभी भी क्रीम को मिलाना चाहिए, बहुत तेज़ी में नहीं मिलाना चाहिए, तो सॉफ्ट हो जाएगा ज़्यादा। फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए ये येलो हो गया मेरा, ये ग्रीन है, इसे भी हल्के हाथ से जेल कलर डालेंगी तो सबसे अच्छा रहता है, लिक्विड कलर ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है क्रीम इसलिए। और ये रेड है, रेड को आप कितना भी डालेंगी, इतना याद रखे तो उतना रेड नहीं आता है, उसकी एक अलग मशीन आती है रेड कलर के लिए। अब देखिए मैंने मिला लिया, अब यहाँ मैंने लिया है क्लिंग रैप। क्लिंग रैप में क्या है, मैंने तीनों कलर को पाइपिंग बैग में भर दिया है, क्योंकि एक ही नोजल में हमें 3 कलर डालना था। अब देखिए येलो मैंने जैसे जैसे डाला वैसे सब करे आसानी से बन जाएगा। एक लाइन में पूरा मैंने येलो डाल दिया, देखिए पूरा डाल दिया मैंने येलो एक लाइन में, और दूसरी लाइन में मैं क्या करूँगी पूरी ग्रीन डाल दूँगी। इसी तरीका से बने, अब कभी भी ऑर्डर हो आपको कलर में तो आप ऐसे, चाहे 3 कलर में हो या रेनबो कलर में, ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। क्लिंग रैप आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसी से बनाएंगे तो अच्छे से ही तभी जाके बनेगा। अब ये देखिए रेड, रेड कितना भी डालेंगे पर पिंक ही दिखता है, इसलिए पूरा रेड नहीं हो पाता है। अब देखिए क्या करेंगे, क्लिंग रैप को हल्के हाथों से उसे लपेट लेंगे। देखिए मैंने लपेट लिया पूरा। अब क्या करूँगी ना, मैं पहले से ही पाइपिंग बैग में नोजल डाल के रख ली हूँ, तो नोजल मैंने डाल दिया है, बॉर्डर नोजल आता है एक फ्लावर का रोज जैसा, वैसे ही बॉर्डर नोजल नाम उसका रहता है, आप वो ले लीजिए। अब देखिए मेरा केक यहाँ सेट हो गया है, लगभग मैंने 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा था, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में, ताकि सेट हो जाए अच्छे से, सेट हो गया। अब देखिए मैं क्या करती, कभी भी आपको ना चेक कर लेना चाहिए क्रीम निकाल के, नहीं तो अंदर से बबल रहता है, एयर चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत देता है। अब देखिए मैंने क्या किया है ना, मेरे को डिजाइन डालने के लिए मैंने टूथपेक से मार्किंग कर ली है, जैसा उन्होंने डिजाइन भेजा था वैसे मैंने मार्किंग कर लिया है। आप एक बार एक केक जरूर मेरे कहने से बनेगा, ये फ्लेवर मार्केट में बहुत अच्छा आया है। वो भी डिमांड पे ही बनता है ना, तो ज़्यादातर लोग क्रश का ही बनवाते हैं, डिमांड पे बनता है। अब देखिए क्या करेंगे ना, देखिए ऊपर से नीचे लाई, फिर बस थोड़ा सा घुमाना है, राउंड राउंड घुमाएंगे तो बन जाएगा, फिर नीचे से ऊपर हम ले गए हैं। देखिए ऐसे ही आपको पूरी कवर करनी है, क्या है कि ऐसे कट करने से अंदर भी 3 कलर का है और बाहर भी 3 कलर का है। ये हाफ के जी के डॉल के बन के हमारी रेडी हो जाएगी, बहुत अच्छी लगी थी बनाने के बाद, मैंने देखा था और मेरे कस्टमर भी बहुत खुश हो गए थे कि नहीं अच्छा बना है। पूरे ऐसे कवर कर लेंगे हम। अब उसी नोजल से बस ऊपर की तरफ डॉट डॉट कवर कर देंगे, देखिए डॉट डॉट डाल देंगे तो कवर हो जाएगा, बहुत आसानी से और इजी डिजाइन था, मैंने इजी से ही बना लिया। अब देखिए मैंने एक डॉल ले लिया, छोटा सा हाफ के जी का डॉल अलग आता है। अब उसी नोजल में जो पहले से नोजल में था, उसी नोजल के दूसरे नोजल में, इसे स्टार नोजल बोलते हैं, उसमें पाइपिंग में मैंने पहले से डाल दिया था, वो नोजल के साथ में मैंने डाल दी, ताकि मेरे को पाइपिंग में भी नहीं लगेगा और क्रीम भी नहीं बर्बाद होगी। बस कुछ नहीं करना, आपको पूरी डॉल को कवर करना है और कुछ भी नहीं करना है, जो चाहे डिजाइन डाल कर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लीजिए। तो मैं पूरा कवर करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरी डॉल को कवर कर ली, अब बीच में
ठीक सेंटर में आपको धीरे धीरे उसको लगाना है। पहले मत लगाइएगा, पूरा उसको कवर करने के बाद तब लगाइएगा। देखिए मैंने लगा दिया, डॉल रेडी हो गई हमारी। अब मेरे को बीच में थोड़ी सादा दिख रही थी, फिर मैंने इसमें भी नोजल से पूरे डॉट डॉट दे के मैंने कवर कर दिया। ऐसे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा, पर मैंने और कवर कर दिया इसको। देखिए मैंने उसी नोजल से बीच बीच में डॉट डॉट में कवर कर दिया, पूरी ऐसे मैं कवर कर देती हूँ डॉल को। देखिए पूरी डॉल कवर हो गई तो और अच्छी लगती। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ मिलता है चॉकलेट का जो मोती बोलते हैं ना लोग, चॉकलेट का डिजाइनर स्प्रिंकल, उसे से मैं हर जगह पूरी डॉल के डॉट में कवर कर दूंगी तो अच्छी सी डिजाइन लगेगी। देखिए मैंने यहाँ गोल्डन कलर का मोती ले लिया है, यानी चॉकलेट का जो है ये तो खाने वाला ही होता है। अब पूरे में जो डॉट डॉट मैंने दिया है सबको मैंने एक एक मोती लगा के कवर कर लेती हूँ। देखिए एक एक आपको जितना चाहिए उतना लगे, पर उतना ही लगाते हैं, जितना ओवर नहीं करना चाहिए। देखिए सारे में मैंने एक एक मोती आराम से लगा दिया और मेरी इतनी प्यारी डॉल केक बन के रेडी हो गई है। आप भी बनाइए और डिमांड करिएगा कमेंट करके कि और कौन सी डिज़ाइन का आपको केक सीखना है, तो मैं सिखा दूँगी। थैंक्स फ्रेंड।